को आगे पढ़ेंगे और आज की सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं। मैंने इस सीरीज का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम उन टॉपिक उन प्रश्नों को बार बार पढ़ें जबकि भर्ती परीक्षा में एक से अधिक बार पूछे जाते हैं। तो चलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए क्योंकि इस क्लास में केवल हम प्रश्न का उत्तर ही नहीं बताएंगे, प्रयास ये करेंगे कि हम इसके सभी विकल्पों की विस्तृत व्याख्या करें ताकि आपके जब परीक्षा में यहाँ से या इससे जुड़े हुए जब प्रश्न आए तो वहाँ से भी एक भी गलती ना होने पर गलती नाम मात्र के बराबर भी ना हो। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में टॉर्नेडो एली कहा जाता है? माने यहाँ पे बात याद रखना है कि जो टॉर्नेडो एली है वो कहाँ पे कहा जाता है। सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, चाहे गलत या सही, लेकिन आपका जवाब जो है अनिवार्य रूप से आना चाहिए ताकि हमें और आपको ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई और कितना बेहतर तरीके से आप तथ्यों को पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से बिना देरी किए बिना समय गंवाए और कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। चलिए हम ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है मिसिसिपी का मैदान। जी हाँ, यह है मिसिसिपी का मैदान। टॉर्नेडो एली मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। यह यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और अमेरिका नहीं बल्कि पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक बड़ा मैदानी क्षेत्र है। इसलिए इस प्रश्न का अगर हम विकल्प देखें तो सबसे सही उत्तर जो होगा वह सी सही और राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चाहे तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सफलता कोई शॉर्टकट होता नहीं, क्योंकि अब की बार एक सेट हमार मृतक घाटी जानी जाती है किसके लिए? अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए, अत्यधिक लवणता के लिए, किसके लिए जानी जाती है? जल्दी से दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी फटाफट कमेंट करिएगा क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सभी लोग बताइए, जवाब दीजिए, गलत हो या सही हो। यार वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं लगेंगे यार, हम भी मेहनत से आपके लिए पढ़ाते हैं ताकि लोगों तक चीज़ें पहुंच पाएं। तो आप इतनी तो मदद करिए, लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। यहाँ पे होगा अत्यधिक उष्णता के लिए, माने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। मतलब उत्तरी अमेरिका में सबसे गर्म जलवायु दक्षिण पश्चिम स्थित मृत घाटी जिसे हम डेथ वैली कहते हैं पाई जाती है, जहाँ पे गर्मी के मौसम में अगर तापमान देखा जाए तो 55 से 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मृतक घाटी उष्णता के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जी हाँ, मतलब अगर आप लोगों ने यहाँ तक तथ्य को प्रश्न को पढ़ लिया इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, इस प्रश्न का सही जवाब है। और याद रहे सामान्य दिन की सीरीज में जो ये विश्व भूगोल की सीरीज है ये आपको सिलेक्शन में सबसे अहम भूमिका निभाती है क्योंकि जो आपका मेरिट बनता है वो पॉइंट में बनता है और सिलेक्शन भी पॉइंट में ही होता है। इसलिए प्रश्न को भली भांति पढ़िएगा, ये यूनिक प्रश्न की सीरीज है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? आजकल देखे होंगे कि जब आपने हाल ही में कोई परीक्षा दिया होगा या कोई परीक्षा के बारे में जानते होंगे तो यहाँ पे देखते होंगे ये नहीं काफ़ी ट्रेंडिंग रहता है और हमारे प्रश्न में ये जरूर आपको मिलता है नहीं वाला तथ्य। तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि हम आपको सफलता तक कैसे लेकर चले और सफलता तक पहुंचाने के लिए, सफलता तक ले जाने के लिए इन सभी बातों का भी जानना उतना ही जरूरी है जितना आपको तथ्य को पढ़ना और समझना। देखिए यहाँ पे कुछ हवाओं के बारे में दिया गया है, इन हवाओं के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज भी चिनूक जो है इस संयुक्त राज्य अमेरिका की हवा है, इसे बर्फ खाने वाली हवा कहते हैं। वहाँ के आम लोग कहते हैं बर्फ खाने वाली हवा क्योंकि जब ये आती है तो जो बर्फ़ होती पिघलने लगती है, गर्म होती है और वहाँ पे खेती योग्य भूमि हो जाती है, कृषि योग्य भूमि मिल जाती है, बर्फ पिघलने लगते हैं, इसलिए इसे बर्फ खाने वाली हवा कहते हैं। सिराको जो है ये सिसली में चलती है, नार्वेस्टर्स जो है ये भारत में चलती है। यही आपका ध्यान देना होगा कि क्या नार्वेस्टर भारत में चलती है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं कि नार्वेस्टर भारत में चलती है नहीं। देखिए बिजर्ड जो है एक ठंडी स्थानीय पवन है, ये साइबेरिया व कनाडा में चलती है। कहाँ चलती है? साइबेरिया व कनाडा। ये इलेनी भी दुर्गेश के नोट्स में होगा, आपने नोट्स पढ़ी होगी विश्व भूगोल की तो उसमें आपको ये मिला होगा। यहाँ पे कनाडा क्षेत्र में चलती है। चिनूक गर्म स्थलीय पवन है, अमेरिका में चलती है। सिरास्को सिसली में चलने वाली गर्म है। ये नार्वेस्टस भारत में चलती है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया, लेकिन डी जो है नार्वेस्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पर
यहाँ पे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ये भी सुमेलित नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प है दोनों मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि गलत है, सही उत्तर में अभी नहीं मिला है। मतलब यहाँ पे दो सही है और दो गलत, चिनुक और सिराको सही है और ब्लिजर्ड और नॉर्वेस्टर्स गलत है। ठीक है, चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। मैंने अभी टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे नॉर्वेस्टर जगह है लू लिखना चाहिए था, तो शायद आपका सी सही होता या चिली के कुछ और होता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम सभी साथी। अगला है प्रश्न आपके सामने, जब अर्धचंद्र होता है तब पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच कितने अंश का कोण होता है। ये एकदम यूनिक एकदम नया प्रश्न है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इलनी विद्रगेश को हमेशा से पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार विजिट किए होंगे, वो लोग ने कभी सोचा नहीं होगा कि क्या परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपके दिमाग हर एंगल से सोचे, आप हर एंगल से तथ्य को जाने, ताकि आप सिलेक्शन से कहीं भी किसी भी मामले में किसी व्यक्ति व्यक्ति विशेष वर्ग समूह से वंचित ना रह पाए। देखिए, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के मध्य जब कोण कितना अंश होता है अर्धचंद्र का होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तब ये 90 अंश का होगा। कैसे, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई, अगर चंद्रमा यहाँ है चंद्रमा यहाँ है, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो हमें इतना ही हिस्सा दिख पाएगा, इतना ही हिस्सा दिख पाएगा, पूरा हिस्सा नहीं दिखता ऐसे भी, तब हम वहाँ पे कहते हैं कि कैसा हो गया, जो हमारा चांद है वो कैसा दिख रहा है, अर्धचंद दिख रहा है। माने इस समय पृथ्वी की चंद्रमा आधा दिखाई पड़ता है जब ये 90 डिग्री पर होता है। मतलब कारण ये है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पृथ्वी के बीच में बढ़ जाता है, अर्थात चंद्रमा के आधे भाग पर ही पड़ता है। वही स्थिति लघुत्तम ज्वार आते हैं, ऐसी स्थिति में सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति भी दो दिशाओं में कार्य करती है, फलस्वरूप समुद्र का जो जल होता है उतार चढ़ाव निम्नतम होता है और 180 डिग्री पर देखा जाए तो यहाँ पर जब 180 डिग्री पर होगा तब क्या होगा, दीर्घ ज्वार, मतलब इस स्थिति में लघु ज्वार भी आता है। तो ये काफ़ी यूनिक प्रश्न है, क्योंकि मैंने इस टाइप के प्रश्न तो पढ़ाया तो जरूर था, लेकिन आप लोग को यहाँ से उस टॉपिक से यह कैसे पता चलेगा, यह जानने के लिए आपको ये सीरीज पे बने रहना काफ़ी जरूरी था। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो शेयर करिए। जी हाँ, निम्नलिखित में नोबेल गैस कौन सी है, वायु में नहीं पाई जाती। ध्यान देखिए, नहीं पाई जाती, अगर प्रश्न को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आधा अधूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो हमसे और आपसे हमेशा और प्रायः गलती होने की संभावना ज़्यादा ही नहीं बल्कि प्रबल हो जाती है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। बताइए, चलिए यहाँ पे ध्यान देना है आप सभी को, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को सभी लोग ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। देखिए, हीलियम नोबेल गैस, आर्गन, नियान, लेकिन अगर हम रेडान गैस वायु में नहीं पाई जाती, जबकि हीलियम, आर्गन, नियान ये सभी वायु में पाई जाती हैं। यहाँ देखो, वायु में नहीं, ये नहीं पाई जाती। अब एक प्रश्न आता है, जिस समय ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता होती है, कौन सी गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग को डेली का टाइम पता है फिर भी आप लोग टाइम से लाइव नहीं आते, देखिए अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे सीरीज बंद करनी पड़ेगी। मैं बार बार आप लोग से कहता हूँ आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आप बेहतर संख्या रहेगी तो मुझे भी लगेगा यार मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ, मैं और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, स्पेशल क्लास जो होगी उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, हो सकता है अगले दिन आपको कोई स्पेशल क्लास रहे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखिए, कर्क रेखा नहीं गुजरती एक सवाल है आपका और मुझे लगता है कि आप सभी को इस प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहिए। देखिए, कर्क रेखा नहीं गुजरती, देखिए नहीं वाले प्रश्न मैं इसलिए लेकर आता हूं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सभी लोग फटाफट कमेंट कर जवाब दीजिएगा। देखिए, मिस्र, भारत, ईरान, म्यांमार, तो देखिए भारत से गुजरती है, ठीक है ये तो आप लोग को पता ही है।
और जब भारत से गुजरती है तो म्यांमार से भी गुजरती है और ये मिस्र से भी गुजरती है। अगर ये जाने कर्क रेखा के बारे में तो देखिए ये 0 डिग्री होगा, ये 23.5 है, ये 23.5 है, ये हो गया 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। ये परीक्षा प्रश्न आपके आते हैं, ये हो गया साउथ, इसे कहते हैं मकर, इसे कहते हैं कर्क रेखा। तो यहाँ ईरान से होकर नहीं गुजरती, और जो नहीं गुजरती जो गलत है वही आपका सही है, मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा जो गलत है वही सही होगा। अभी प्रश्न आता है कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो नोट्स में लर्निंग भी दुर्गेश के पढ़ा होगा आपने, अगर वहाँ नहीं पढ़ा है तो लिख लीजिएगा। देखिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, म्यांमार से गुजरती है, पाकिस्तान, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, मैक्सिको, क्यूबा, मरनूनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा, वैसे अब एक दो बार मानचित्र देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जल्दी आपको विश्व भूगोल में जब मानचित्र में पढ़ाऊंगा, मैं जल्दी पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैं आपके सारे तथ्य को और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, शीतल धारा को मान लीजिएगा ठंडी धारा है। एक बात हमने बताया था, ठंडी धाराओं का जो उद्गम होता है वो हमेशा ध्रुवीय क्षेत्र होता है, ये याद रखिएगा, वो हमेशा ध्रुवीय क्षेत्र होता है, ठीक है। देखिए ज्वालामुखी उद्गार पे कौन सी गैस वायुमंडल में बढ़ जाती है, भूकंप आने पे कौन सी गैस बढ़ जाती है, ये हमने क्लास में पढ़ाया है, तो वहां पे आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए यहां पर यह होगा बेंगवेला की धारा, ये अटलांटिक महासागरीय ठंडी धारा है। अगर कैनेरी देखा जाए तो ये कैनेरी देखा जाए तो ये अटलांटिक महासागर की धारा है, ये कहाँ की है, अटलांटिक महासागर की धारा है। ये भी क्या है, ये भी अटलांटिक की ही धारा है, महासागर की, किंतु गर्म जल धारा है, ये क्या है, गर्म धारा है, ठीक है। ये ठंडी धारा है, ये कैसी है, ये ठंडी धारा है। अलगुहास हिंद महासागर की, इसी बहाने याद हो जाएगा हिंद महासागर, नोट्स बनाते चलिएगा सभी लोग, मेरा आपसे निवेदन है कि नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, जिसको सही नहीं दिख रहा है वो एक काम करेगा, यहाँ पे 3 डॉट बिंदु पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, वीडियो को जो है आप 720p में कर लीजिएगा, वीडियो एकदम साफ दिखेगा पूरा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा कलर है, पूरा HD लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने हिंद महासागर की है, लेकिन अगर ब्राजील की धारा देखा जाए ये भी क्या है, अटलांटिक महासागरीय धारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे चारों धाराएं आपको पता हो गई, अटलांटिक महासागर की धारा है लेकिन ये क्या है, गर्म धारा है। तो यहाँ पर आप लोग का क्लियर हो गया, अलगुहास भी गर्म धारा है, ये भी गर्म धारा है। यहाँ पे तीनों चारों धाराओं को मैंने पूरी विस्तृत तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया, और मैं चाहता हूं कि परीक्षा में आपके सिलेबस में धारा भी है और महासागर है, महाद्वीप है, तो महासागर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे धाराएं अपने आप आ जाती हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसा प्रश्न अगर कभी भी आए, अगर कभी ऐसा प्रश्न आए तो यकीन मानिए कि आप लोग को यहां से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका एकमात्र उद्देश्य है सिलेक्शन लेना, और आप सिलेक्शन के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे तथ्य समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। रट लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा वाले प्रश्न हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूं मैं वही पढ़ाता हूं जो परीक्षा में आपके सीधे पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जरूर से, ठीक है। मैं सिलेबस से बाहर नहीं जाता, मुझे पता है प्रश्न कहां कहां से आते हैं। अगला, किसी भी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है, 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मेन टाइम पर वह 3 बजे प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या है। सीधा से बात है, यहाँ पे दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 प्रातः, देखिए यहाँ पे है, एक तो है आपका ये 6 AM है, 6 AM है, और दूसरा कितना है, 3 AM है, डिफरेंस कितने का है, 3 घंटे का, 3 घंटे को मिनट बदलेंगे कितना हो जाएगा, 60 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 मिनट। अगर आपको ये जानना है कि कितना देशांतर, तो सीधी सी बात है पीछे है, जब पीछे है 180 डिवाइडेड बाई 4,
कल की सीरीज में हमने पढ़ाया था कि एक डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 45 डिग्री। अभी पूछा है उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, 45 डिग्री पूरब है कि 45 डिग्री पश्चिम है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। मैंने किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम पर प्रातः 3 बजे है, ग्रीनविच पर 3 बजे है और पूछा इसको है, तो सीधी सी बात है हमें पूरब की तरफ जाना है 45 डिग्री पूरब, क्योंकि ग्रीनविच पर 3 बजे है और 6 बज रहा है, वह स्थान के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि जब ग्रीनविच यहां है और हमें जाना यहां है, तो हमें पूरब की तरफ यात्रा करना पड़ेगा ना। बात को समझिए, हमने जब देशांतर पढ़ाया है वहां पे मैंने एकदम अच्छी तरीके से आपको व्याख्या करके बताया है, तो जो लोग क्लास में जुड़े होंगे ऑनलाइन वाले, उनको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे यहां से प्रश्न फिक्स आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ाता हूं, क्योंकि देशांतर रेखा से प्राय प्रश्न आते हैं आपके पाठ्यक्रम में। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा भी स्पष्ट रूप में विश्व भूगोल में लिखा है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, सबको समझ में आ गया ना। ठीक है, अगला, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है। अगर मैं पूछूं आपसे कि वायुमंडल का मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मौसम परिवर्तन कहां पर होता है, किस मंडल में होता है। अगले दिन कुछ स्पेशल क्लासेज हैं आपके लिए, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा कल, ताकि लिंक आपको मिल जाए, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होगा। ये वर्षा करते जी नहीं, वर्षा किस मंडल से होती है कमेंट करके बताइएगा। क्षोभ मंडल से मौसम परिवर्तन होता है और वर्षा यहीं से होता है। प्रदूषण उत्पन्न करना, तो मंडल कोई प्रदूषण उत्पन्न करता नहीं। परावैगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करना, जी हाँ ये सही है, मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी है, कि जो वायु में ओजोन परत है ये किस मंडल में पाई जाती है, एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि समताप मंडल में कौन सी परत है, या ये परत किस में पाई जाती है, तो याद रखिएगा समताप मंडल में। ये यूनिक प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग प्रश्न कह सकते हैं हम सब। ठीक है, किसी को मन में कोई समस्या कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। चलिए आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार वीडियो को अपने साथी साथी मित्रों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है जितनी मेरी है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। किसी के मन में कोई समस्या, देखिए जो वायुमंडल में ओजोन परत परावैगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है। ओजोन क्या कहते हैं, ओजोन गैस है, ये 3 परमाणु से मिलकर बना है। ओजोन की उपस्थिति वायुमंडल के समताप मंडल में है, ठीक है, और ये सीएफसी से अपक्षय है, और वर्तमान में अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा छेद वहां पर मिलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी लोग। अगला, निम्नलिखित तिथियों में से किस ने दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी, ये एकदम आसान प्रश्न है, एकदम रट लीजिएगा। और देखिए यहां पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब ये पूछेगा निम्नलिखित तिथियों में किस में दोपहर में, आप जब पूछ देगा आपका मतलब ये परीक्षा किस देश में दे रहे हैं, भारत में दे रहे हैं। भारत कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, कहां पे, उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहां पे ये बात याद रखिएगा। अभी आप लोग कहेंगे सर यहां पे 2 विकल्प सही है, जब 2 विकल्प सही है तो एक बात याद रखिएगा, यहां पे आप शब्द का प्रयोग किया है, आप कहां से हैं, आप भारत से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध का देश है, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किरणें जब आपके सर के सीधे पर होंगी, जैसे अगर मान लीजिए आप यहां खड़े हैं सूर्य यहां है, अब क्या होगा, परछाई कैसी बनेगी, परछाई नहीं बनेगी, एकदम छोटी बनेगी, जब सर के ठीक ऊपर माने दिन के 12 बजे होगी, दिन के 12 बजे, और ऐसी स्थिति होगी 21 जून को, कई तारीख को होगी 21 जून को, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और इसी दिन सूर्य एकदम सीधे पर होता है, और यहाँ पे 21 जून ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम अपना विकल्प 22 जून के पास लेकर जाएंगे। जी हाँ, अगर यहाँ पर सबसे छोटी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं, और जब तिरछी पड़ेंगी तब क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ी परछाई बनेगी, सबसे बड़ी परछाई यहाँ पे सबसे बड़ी और यहाँ पे सबसे छोटी बनेगी। ये दोनों बातें समझिएगा, क्यों, क्योंकि
25 दिसंबर को हमारे ठंडक पड़ती, मतलब सूर्य किरणें तिरछी पड़ेंगी। जब सूर्य किरणें तिरछी पड़ेंगी तो आपकी परछाई जो है बड़ी बनेगी, ठीक है, परछाई आपकी बड़ी बनेगी। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, ये हमने क्लास में पढ़ाते समय बताया था, जब पृथ्वी की गतियां मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने क्लास पढ़ी होगी तो मैंने पृथ्वी की गतियां जब पढ़ाया था तब आप लोग को स्पष्ट किया था ये बात को कि कब सर के ठीक ऊपर सूर्य होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रश्नों के विकल्प हल करते हैं तो ये अपने दिमाग का भी प्रयोग करना होता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करना होता है। इसलिए क्लास के साथ साथ हम आप लोग को हमेशा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं और आप लोग से निवेदन करते हैं कि टाइम से आप लोग लाइव आकर पढ़ा करिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आप लोग हैं, ये आपकी फोटो है, ठीक है, अब गाली मत दीजिएगा, हमको कला बनाने नहीं आता। हम भूगोल के स्टूडेंट हैं और ऑप्शनल मेरा यूपीएससी आईएएस का मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, लेकिन फिर भी मुझे आर्ट बनाना मेरा कमजोर है। अगला सवाल आपके सामने है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाने वाला ग्रह का नाम क्या है। देखिए, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी की भगनी कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है, इसका एग्जैक्ट कारण क्या है, बताइए किस ग्रह को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें आपको बताना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय इसी सीरीज में पहले लेक्चर में मैंने बताया था, स्पष्ट किया था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर, शुक्र को शुक्रवा ग्रह कहते हैं। कारण यह है, यह अगर देखा जाए तो द्रव्यमान और व्यास के मामले में लगभग पृथ्वी से बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, कौन सा प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहा हूं, और शुक्र में लगभग 90-95% CO2 है, जिस कारण यहाँ पे प्रेशर कुकर जैसी भावना होती है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। अब आप बताइएगा एक बात, मैं आपसे और पूछूंगा सभी लोग से, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मुझे बताइएगा हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, सिलेक्शन लेना है आपको, सरकारी नौकरी करनी है तो जवाब जरूर देना चाहिए। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जबकि नजदीक बुध है, लेकिन शुक्र इसलिए क्योंकि यहां पर 95% लगभग ये CO2 की मात्रा है और ये सूर्य से आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसलिए आप पारगम्यता होने के कारण यहाँ का ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति होती है काफ़ी ज़्यादा हो जाने की वजह से यह ज़्यादा हीट होता है, इसलिए बुध सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बाद भी सबसे गर्म ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो वह आपका क्या होगा, शुक्र ग्रह होगा। चलिए अगला, डैक्सनबर्ग पर्वत कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हमने पढ़ा, एक वीडियो मैंने आपको बनाया होगा, विश्व भूगोल में विश्व के पर्वत, विश्व की नदियाँ, विश्व के मरुस्थल, विश्व के घास के मैदान, वहाँ पे जब मैंने विश्व की पर्वत वाली वीडियो में आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपको डैक्सनबर्ग पर्वत के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जी हाँ। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ये किस महाद्वीप में है, वहीं पर एटलस पर्वत है, जहाँ पर ये है उसी महाद्वीप में एटलस पर्वत भी है। तो डैक्सनबर्ग पर्वत दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है, कहाँ पे है, ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है। इसका जो सर्वोच्च बिंदु देखा जाए, इसकी सर्वोच्च चोटी अगर इसको पूछ लिया जाए कि भैया सर्वोच्च चोटी क्या है इसकी, तो बताइए क्या होगी सर्वोच्च चोटी इसकी, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, हवाना एंटिलियाना, ये क्यों आपके परीक्षा में पूछा गया या आगे हम बताएंगे। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये इसकी जो हाइट है डैक्सनबर्ग पर्वत की, तो इस पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, 3482 मीटर ही है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो लंबाई है। ये होगी इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई है इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जो 1290 किलोमीटर है। और डैक्सनबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है, जरा बताइएगा डैक्सनबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है, ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करिएगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो महाद्वीप की सीरीज में हम आपको वहाँ पे बताएंगे, जब अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाएंगे तब मैं वहाँ पे और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँगा ऐसा क्या कारण है कि डैक्सनबर्ग बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है।
ठीक है, सभी लोग कहोगे ना, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। यह वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव चलता है प्रतिदिन, टाइम आप लोग को पता है ना। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, ये एकदम दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। मतलब ऐसे प्रश्न को अगर कभी ना पढ़े रहें और अगर मेरा लेक्चर आपने अटेंड किया है तो ये प्रश्न कभी जीवन में गलत ही नहीं हो सकते आपके, ठीक है, आपके ये प्रश्न कभी गलत ही नहीं हो सकते। भैया महाद्वीप स्थिति लगभग पढ़ाई जा चुकी है, वो आप लोग को जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। देखिए आइए इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये हो गया हमारी पृथ्वी, ठीक है, इस पृथ्वी में ये हो गया हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। सूर्य कहीं भी रहे कभी भी रहे, यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी जरूर पड़ती रहती हैं। यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा सूर्यातप मिलता है, लेकिन सूर्यातप सबसे ज़्यादा मिलने के कारण, इंसुलेशन ज़्यादा मिलने के कारण यहाँ पर प्रतिदिन 2 बजे से 4 बजे तक दोपहर को घनघोर वर्षा होती है। अब आप कल्पना करिए जब आपके घर में 1 से 2 बजे घनघोर वर्षा हो, 1-2 महीने घनघोर वर्षा हो जाती है तो आपके दीवारों के पास पेड़ उग जाते हैं, घर में हर जगह बड़े बड़े घास दिखते हैं और उन घासों में नए नए तरह के टिड्डा दिखते हैं, छोटे टिड्डा, बड़े टिड्डा, लाल टिड्डा, हरा टिड्डा, पीला टिड्डा, छोटी टांग वाला टिड्डा, बड़ी टांग वाला टिड्डा, छोटी मूंछ वाला टिड्डा, बड़ी मूंछ वाला टिड्डा, माने टिड्डों में ढेर सारी प्रजातियां दिखती हैं, घास में ढेर सारी प्रजातियां दिखती हैं। हम कहते हैं कि सर जैव विविधता बढ़ रही है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है, और ऐसे पेड़ में जहाँ पे उचित मात्रा में पानी मिले, उचित मात्रा में सूर्यातप मिले, उचित मात्रा में खनिज लवण मिले, क्या ऐसे वन कभी मुरझा सकते हैं? क्या ऐसे वन की पत्तियां कभी गिर सकती हैं? ठीक, इसलिए ऐसे जो होते हैं, ऐसे जो वन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बताइएगा? उन्हें हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, सदाबहार वर्षा वन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियां साल भर बड़ी रहती हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जैसे लोगों में भवन जलन की भावना होती है, यहाँ पे जितने लोग वीडियो को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि मेरा परीक्षा में ज़्यादा नंबर आए, मेरे मित्र का मुझसे कम नंबर आए, तो ऐसा जो भावना होता है पेड़ पौधों में होता है। इसलिए दुनिया के सबसे लंबे जो वन होते हैं वो यही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भी एक दूसरे को बड़ा ऊपर जाने में, क्योंकि सब कुछ तो मिलता है, इनमें प्रतिस्पर्धा होती है सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने में। इसलिए दुनिया के सबसे घने, दुनिया के सबसे लंबे वृक्ष यही मिलते हैं। इसी कारण पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता यही मिलता है। जो जो हम भूमध्य रेखा से दूर चलते हैं ध्रुवों की तरफ, तो इस समय जैव विविधता में ह्रास होता है, लेकिन जब जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तब जैव विविधता में धीरे धीरे वृद्धि होती है। यह दोनों बात याद रखिएगा, यह आपके परीक्षा में 1 नंबर फिक्स पूछा जाता है, किसी ये सदाबहार प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्रुवों पे सबसे कम जैव विविधता, भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा जैव विविधता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल है? अगर हो तो जरूर पूछिएगा, लेकिन आप वीडियो को पहले लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं लोगों तक पहुंचाइए। अगला, विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं की लंबाई आरोही क्रम में बताना, चलिए बताइए जल्दी से, आरोही क्रम में आपको बताना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? ये होगा घटते हुए क्रम में, ये हो गया आरोही क्रम, आरोही है, आरोही, आरोही घटते हुए होता है, और अगर आरोही आ जाए तो ये बढ़ते हुए क्रम में होता है, ये आपका होगा आरोही। अब आपको ये बताना है भैया, कितने लोग को याद है? बताइए जल्दी कमेंट करके। पहली बात तो एक बात तो स्पष्ट होना चाहिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पर्वत श्रृंखलाओं की उनकी लंबाई, ध्यान दीजिएगा उनकी लंबाई, यहां पे ऊंचाई नहीं दिया है, ऊंचाई के आधार पर नहीं दिया है, ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ ले। कुछ लोग ऊंचाई समझकर बता रहे हैं, ऊंचाई तो नहीं होना चाहिए, यह बात तो क्लियर हो गया सबका, ऊंचाई तो नहीं होगी। अब आप बताइए क्या तरीका होगा? देखिए याद रखिएगा, सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको पता हो गया सर, एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, दुनिया की। ये दक्षिण अमेरिका, इस पर्वतमाला का सर्वोच्च अगर बिंदु देखा जाए, जैसे ये उत्तरी अमेरिका में, देखिए ये उत्तरी अमेरिका में है और ये दक्षिणी अमेरिका में,
ये बात स्पष्ट हो गया। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, लिख लीजिएगा, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। दूसरे स्थान पर यह पहले पाता है, यह आपका पहले पा गया। दूसरे पर आता है आपका हिमालय, लंबाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आपका हिमालय आता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, यह कहां पर है, एशिया में, यह कहां पर है, एशिया में। अगर ऊंचाई पर देखा जाता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की माउंट एवरेस्ट है। तीसरे स्थान पर राकी जाता है, तीसरे स्थान पर कौन आता है, यह राकी जाता है, ठीक है। चौथे स्थान पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है, यह ऑस्ट्रेलिया में है, यह कहां पर है, यह ऑस्ट्रेलिया में है। एक बात याद, जहां पर ग्रेट शब्द आ जाए तो मान लिया करिए 80% वो ऑस्ट्रेलिया ही है, 80% ऑस्ट्रेलिया ही है जहां पर ग्रेट आ जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग, ये चौथे स्थान पर हो गया। अब आप बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह आपका ए, इसका राइट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर, एनी डाउट किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कर लीजिएगा। क्षेत्रफल आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील, झील भी आपके सिलेबस में है, यह भी आपके पाठ्यक्रम में है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए सभी लोग। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेस निःशुल्क देशित में रक्षित में है। अब एक लोग का प्रश्न आया है, सर ऊंचाई और लंबाई में क्या अंतर है? अब बताइए लंबे और मोटे आदमी में क्या अंतर है, लंबे और मोटे आदमी में क्या अंतर है? एक प्रश्न आया है, सर ऊंचाई और लंबाई में क्या अंतर है? अब भैया ये देखिए, ये ए है और ये बी है, अब बताइए इसमें लंबा कौन है और चौड़ा कौन है और ऊंचा कौन है, अब बताइए। हाँ बच्चों वाले आप लोग प्रश्न पूछने, बताइए। अच्छा भैया बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए इस प्रश्न का उत्तर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, मिशिगन। ऐसे मिशिगन को हम आगे लोग पढ़ेंगे परीक्षा में। देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा कैस्पियन सागर, ठीक है। क्या होगा? कैस्पियन सागर। यहां पर ध्यान देना है, क्षेत्रफल आयतन के आधार पर कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह एक खारे पानी की झील, याद रखिएगा, यह एक खारे पानी की झील है। अगर आ जाए कि भैया मीठे पानी की झील दुनिया की सबसे बड़ी कौन है, तो उसका जवाब बताइएगा। इसके उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा जैसी नदियां भी बहती हैं, यहाँ पर यूराल और वोल्गा नदियां बहती है। अगर हम बैकाल झील की बात करें तो बैकाल झील के बारे में आप लोग जानते रहिएगा, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील कहां पर है, रूस में, रूस में है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब एक बात और बताइए आप लोग, अरब सागर, जो अरब सागर है ना, ये ऐसे अरल सागर मान लीजिए, अरब सागर लिखा दीजिए, अरल सागर कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा बनाते हैं, ये अरल सागर है। ये देखा जाए तो ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा बनाती है। मिशिगन झील ये यूएसए में है, आगे पढ़ाएंगे जब हम महाद्वीप पढ़ाएंगे इसके बारे में बताऊंगा, यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, इन चारों से हमेशा आपके प्रश्न में परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप स्क्रीनशॉट कर लें। यार आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, आप लोगों ने लाइक तक, जितने लोग वीडियो को लाइव देखो उतने लोगों को लाइक तक नहीं है, पैसे नहीं कटेंगे आपके। मैंने कहा इससे बेहतर अगर कोई यूट्यूब पर डिफाइन करके पढ़ा दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चाहे यूट्यूब पर चाहे जहां भी आप देख रहे हैं। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? हमारे आधुनिक जो मानव है उनका निकटतम संबंधी कौन है?
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब कौन देता है। देखिए काफी लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है, बताइए सभी लोग। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर गिबन, आप लोगों ने एकदम सही बताया है। गिबन की एक बात और है, ये मानव के लघु कपि गिबन है, और ये कपि कहां पाया जाता है? भारत में, भारत में पाया जाता है। गिबन हीन कार्य की श्रेणी में आते हैं, जबकि शेष बड़े आकार के कारण महाकपि की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। अगला है, ओजोन परत मुख्यतः कहां अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बताइए बिना इस टॉपिक को पढ़े सिलेक्शन नहीं होना है आप लोग का। इस तथ्य को पढ़िए, समझिए, लोगों तक बताइए, लोगों को पहुंचाइए। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वो क्या है? ये देखिए कई बार है, बस नाम अंग्रेजी में है। मेसोस्फीयर है, इसे मध्यमंडल कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत, हमारे पूरे पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमान यही मिलता है। आयनोस्फीयर में आयन मंडल है, ये रेडियो तरंगों वाला मंडल है। ट्रोपोस्ट है तो इसको कहते हैं समताप मंडल। इसे कहते हैं ट्रोपो को क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं यहां पे घटती हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो आपका बी है। ये सभी लोग याद कर लीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में भी पूछता है, इसलिए जब आप इलनी में दुर्गे से नोट्स आपने पढ़ा होगा या क्लास पढ़ा होगा, तो वहां पे हम अंग्रेजी हिंदी में दोनों में तथ्य को बताते हैं, क्योंकि यहां से जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं वो दोनों तरीके से आते हैं। इसलिए इसे आप भली भांति पढ़ लीजिए, भली भांति जान लीजिए, फिर भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में रह जाता है तब आप बताइएगा। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट सभी लोग क्लिक कर लें। जल वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। अवतल लेंस काफी महत्वपूर्ण है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, क्योंकि ये साइंस का भी प्रश्न है, भूगोल का भी प्रश्न है, आपको दोनों जगह पढ़ने को मिलेगा। देखिए आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर दिए। देखिए पानी में डूबा हुआ वायु का जो बुलबुला होता है, जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है क्यों? क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो वायु से ज्यादा होता है। यदि लेंस को किसी द्रव्य में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस की अपवर्तनांक से ज्यादा हो, तो इस स्थिति में लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति एवं अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वो डी होगा। गलती मत करिएगा, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। देखिए पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह तो उत्तल होगी, कंफर्म हो गया, सतह क्या होगी उसकी उत्तल होगी, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करे, कारण यह है कि पानी का जो अपवर्तनांक होता है वायु से अधिक होता है, पानी का अपवर्तनांक वायु से ज्यादा होता है। यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव्य में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, इस स्थिति में लेंस की जो प्रकृति होती है बदल जाती है, चेंज हो जाती है, उत्तल लेंस अवतल में, अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। यह प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, लोग गलती कर जाते हैं, इसलिए व्याख्या ज्यादा जरूरी है। बाकी आपकी मर्जी,
मैं डेली कहता हूँ आप लोग टाइम से जुड़िए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन आप लोग नहीं मतलब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी आपकी मर्जी। कुछ लोग कहेंगे गलत है, कुछ लोग कहेंगे सही, टिप्पणियां लोग करेंगे, लेकिन आप लोग जानते रहिएगा ये प्रश्न ऑथेंटिक है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, आज के ट्रेंडिंग प्रश्न है। निम्नलिखित में ग्रहों में कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ये रिपीटेड प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को बताएं। हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं बताइए कमेंट करके। देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या है, बुध और शुक्र। रट लीजिए, एकदम रट लीजिए, मैंने कई बार बताया है। अगला आपके सामने है, जब ग्रीन बीच में मध्याह्न एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम होगा, निम्नलिखित वो कौन सा यामोत्तर है पर जगह अवस्थित होगा, बताइए। जब ग्रीन बीच में मध्याह्न, माने ग्रीन बीच पे क्या हो रहा है, मध्याह्न है, ठीक है, मध्याह्न माने 12 बज रहे हैं, क्या है 12 बज रहे हैं, तो अब बताना है 5 बज रहा है तो क्या करना होगा। देखिए चूंकि ग्रीनविच से मध्याह्न है, वह एक जगह का स्थानीय समय है और 5 बजे सायंक है, तो हम यहां देखेंगे 0 देशांतर से हमें जाना कहाँ है, 12 बजे तक। 0 देशांतर क्या हो रहा है, मान लीजिए 0 देशांतर पर 12 बजे हैं, तो स्थानीय समय 5 घंटे आगे है, मतलब इसका मतलब ये है 0 डिग्री पर है और वह स्थान जहां पे 5 बज रहे हैं शाम के वो ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, माने हमें पूरब की तरफ जाना है, ये बात स्पष्ट हो गया, माने समय जुड़ेगा, तो हमें जानते हैं कि 5 घंटा आगे है और एक घंटा पृथ्वी को घूमने में, हमने कल बताया था 1 घंटा पृथ्वी घूम समय लगता है कितना, 15 डिग्री घूमने में, तो ये 5 घंटा आगे है, तो 5 × 15 कर देंगे तो कुल कितना आएगा, 75 डिग्री पृथ्वी को घूमना पड़ेगा। अब 75 डिग्री किधर जाएगा, पूरब की तरफ जाना है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पूर्व, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट और 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है, तो 75 डिग्री घूमने में 5 घंटे का समय लगेगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या ऐसा भी कोई साथी है जिसको समझ में ना आया हो? जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने 10-10 लोगों को जोड़ा होता ना तो सीरीज और बेहतर चलती। ये हमने पढ़ाया, मैं बताया ना कि जो टॉपिक से प्रश्न आपके परीक्षा में ज्यादा आते हैं ना, उन टॉपिक को मैं ज्यादा विस्तृत करके पढ़ाता हूँ क्लास में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग क्लास जुड़ जाइए सभी लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए। सौर मंडल में क्षुब्ध ग्रह एस्ट्रोनॉट बेल्ट छोटे खगोली पिंड है जो किन ग्रहों के मध्य पाया जाती है, हमने पढ़ाया था पहले दिन के लेक्चर में था, ये हमने पहले दिन के लेक्चर बताया था। जैसे यह हमारा सूर्य हो गया, इसके बाद बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है, यहाँ पे एस्ट्रोनॉट बेल्ट मैंने बताया था, फिर यहाँ पे बृहस्पति, फिर यहाँ पे शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ये हमने 8 ग्रह बताए थे। और तो आपको ये बताना है ये किन ग्रहों के बीच है, तो यहाँ एस्ट्रोनॉट बेल्ट की पट्टी, जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बी सही है, किनके बीच, ये है आपका मंगल और ये है आपका बृहस्पति, इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में है, अर्थात मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में है। सबका सही हो गया ना? अभी भी कोई ऐसा है जिसके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है? मैं पढ़ाते समय इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान देता हूं जो परीक्षा वाले होते हैं, और सिलेक्शन का यही एक तरीका है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। रिंग ऑफ फायर, ये भूकंप वाले चैप्टर हमने पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को भली भांति याद होगा। ये रिंग ऑफ फायर बताइए, डेली क्लास में जुड़े रहिएगा, पिछला सभी क्लास पढ़ लीजिएगा तभी आपको समझ। कुछ लोग कहते हैं सर पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, भैया क्लास डेली पढ़िए ना, एक ही दिन में सब समझ में आ जाता तो फिर
क्या जरूरत थी लनिवी दुर्गे इस पर पढ़ने की। देखिए यहां पे रिंग ऑफ फायर संबंध किससे है, इसे कहते हैं परिप्रशांत मेखला पेटी के नाम से भी जाना जाता है। और यह यहां पे सबसे ज्यादा यह प्रशांत महासागर दोनों किनारे है और यहां पर ज्वालामुखी आता है, जहां पर ज्वालामुखी ज्यादा होगा वहां पर भूकंप आएगा। इसलिए प्रश्न का उत्तर 1, 2, 3 इसका सही जवाब है। उसको मैं विस्तृत कैसे बताऊं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये एक विनाशात्मक प्लेट के सहारे मैं अगर कहें तो मैं डायग्राम बना के बता दूं ये कैसे होगा। अगर आप कहें तो मैं इसको डायग्राम बना के समझा दूं कैसे होता है। देखिए रिंग ऑफ फायर में होता क्या है, जब मैं पढ़ाता मैं समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पे देखिए सभी लोग ध्यान समझिएगा, यहां पे एक प्लेट आ रहा है, ये प्लेट आ रही है और यहां पे भी कोई एक प्लेट है, अभी इन प्लेटों से टकराएगा। तो जैसे ये मान लीजिए महाद्वीपी 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 महासागरी प्लेट है, एक पत्र महाद्वीपी महासागरी प्लेट है, तो जब एक दूसरे से टकराएंगे तो ये ज्यादा घनत्व वाली जो प्लेट है ये कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या हो जाएगी, क्षेपित होना शुरू हो जाएगी। जब ये क्षेपित होगी इस किनारे पर क्या होंगे, ये पर्वत का निर्माण होगा और यहां पर क्या बनेगा, गर्त। यहां पर क्या बनेगा, गर्त। मान लीजिए यहां पर क्या है आपकी पानी है, मान लीजिए महासागर था और ये आपकी महाद्वीप थी, ये मान लेते हैं महा, ये महाद्वीप था, ठीक है। यहां पे गर्त, दुनिया के सबसे गहरे गर्त यहां पे मिलेंगे। दूसरी बात, अब जब यहां पे ये पहुंच जाएगा, मेरी बात थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिएगा, जब यहां पे पहुंच जाएगा तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि यहां पे मैग्मा होता है, यहां पे मैग्मा, और जहां पे मैग्मा बहुत ज्यादा होगा तो यहां पे इसको कहते हैं मैग्मा चैम्बर, और मैग्मा चैम्बर मैंने बताया क्या होगा, धीरे धीरे पिघलने लगेगा। जब ये पिघलने लगेगा तो यहां पे गल जाएगा, गलने के बाद क्या होगा, आइए मैं शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूं। जब ये गलने लगेगा तो घटना होगी, मैं आपको और अच्छे समझाता हूं घटना क्या होगी। जैसे आप अपने घर में एक बाल्टी लीजिए, एक टब लीजिए, इसमें पानी भर दीजिए, इसमें गेहूं डाल दीजिए, इसमें क्या डालिए, गेहूं। गेहूं डालते हैं तो कुछ गेहूं ऊपर आ जाता है और कुछ गेहूं तली में बैठ जाता है, तो बताइए कौन सा गेहूं अच्छा है, ऊपर वाला खराब वाला, जब कमेंट कर बताइए ऊपर वाला गेहूं अच्छा है कि नीचे वाला। तो आप कहते हैं सर नीचे वाला गेहूं अच्छा है, ऊपर वही गेहूं आता है जो हल्के होते हैं खराब होते हैं। तो मैं कहूंगा सर ऊपर क्यों आते हैं, क्योंकि सर इनका ये खोखले होते हैं, इनका आयतन कम होता है और ये ऊपर आ जाते हैं। इसी प्रकार ये ऊपर का जो पृथ्वी का क्रस्ट है जो यहाँ पे गल रहा है वो क्या होता है, इनका हल्का होता है, और जब ये हल्का होगा तो ऊपर की तरफ आएगा, जो ऊपर की तरफ आएगा इनमें क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने रोटियां खाई हैं या रोटियां बनाई हैं, तो जैसे समझिएगा पहले आप आटा गूंथते हैं, ध्यान समझिएगा, जब आप आटा गूंथते हैं उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद जब आप उसे तवे पर डालते हैं तो रोटी फूलती है, पहले क्या होती है रोटी खूब फूल के मोटा जाती है, मोटाने की वजह से क्या निकलता है, हवा निकलता है, वाष्प। वाष्प कैसे आता है, वाष्प कहां से आया, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे इस बात को समझिएगा आप लोग। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये ऊपर की तरफ आएगा, इसमें जलवाष्प होगा। अब जानते हैं जलवाष्प में बड़ी ताकत होती है, वो मोटी को रोटी को मोटा कर देता है, तो ये ऊपर क्या करेगा, धक्के मारेगा। जब ऊपर धक्के मारेगा तो यहां पे किसके झटके महसूस किए जाएंगे, भूकंप के, और जब भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे कभी कभी जहां जगह कमजोर पाएगा तोड़कर ये निकल जाएगा, तो कहेंगे यहां पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। तो यहां पे क्या होगा, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जहां पे ज्वालामुखी आएगा वहां से 400 किलोमीटर दूर तक क्या होंगे, भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे, मतलब वहां पे भूकंप भी आएगा ज्वालामुखी भी आएगा और यहां से मैग्मा बाहर आएगा और यहां की जो चट्टान होगी वो नई चट्टान होगी, चट्टान यहां की नहीं होगी क्योंकि मैग्मा नीचे से आएगा। और ये घटना कहां घटती है, प्रशांत महासागर में। यह इसलिए इसे परिप्रशांत मेखला पेटी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। आपने देखा होगा जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका सही और राइट आंसर होगा। मुझे समझाने लगे आपकी संख्या कम हो गई यार, इससे बेहतर अगर कोई समझाएगा तो चैनल को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मोटा, यहाँ पे क्या हो गया, भूकंप झटके नहीं लगेंगे न ज्वालामुखी आएगा, लेकिन इस साइड जहाँ पे पतला पाएगा वहाँ पे झटके महसूस किए जाएंगे। इसीलिए जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलता है, धूल कण निकलता है, गैसेज निकलती है, क्यों, क्योंकि यही इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर कोई बार बार कमेंट कर रहा है, सर 94 का आपने ए बी बताया है। भैया जी अब ये बताइए, जब हमने चारों विकल्प की व्याख्या कर दी तो आपको ए हो या बी हो आप देख लीजिएगा, अगर मैंने गलती से ए बता दिया या बी हो, इनमें से कोई एक भी हो तो आप सही कर लीजिएगा ना, मैंने व्याख्या तो कर दिया। अब आप लोग सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए, हो सकता है मैंने ऊपर नीचे बता दिया हो, तो मैंने व्याख्या तो सही किया ना,
उत्तर तो है नहीं, उत्तर देख के हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने व्याख्या कर दिया, मुझे व्याख्या पता था, ऊपर नीचे आप कर लीजिएगा भाई, आप लोग चेक कर लीजिएगा ए था कि बी था, ठीक है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, बार बार 94 में आपने गलत बताया, 94 में आपने गलत बताया, यार गलत मैंने नहीं बताया, हो सकता है ए बताया हो बी बताया हो ए हो, अब जो भी रहा होगा, मैंने ये तो सही बताया ना, इसमें कोई गलत हो तो बताइए, मैं पढ़ाना छोड़ दूं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, हिमालय थर्ड पर, ठीक है हिमालय थर्ड पर होगा, अब एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, यार हो गया गलती, मैं किताबों से मैं नहीं पढ़ाता हूँ, हो गया भाई मिस्टेक हो गया होगा, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, यार मैं गलत पढ़ाऊंगा, मैं क्या बताऊं, मैं छोड़िए आगे चल रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, अच्छा ये हो गया था, ये भी हो गया था, अब आते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म सागरी धारा है, जल्दी से कमेंट कमेंट के बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए आप सभी लोग जितने वीडियो को लाइक देख रहे हैं, ठीक है कोई हो सकता है कि गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत हो तो बताइए, छोड़ दिया जाए पढ़ाना ही, या गोली मार दीजिए कि भैया सर आपने एक तो गलत बता दिया, भैया किताब से नहीं, हो सकता है ऊपर नीचे, हम भी इंसान हैं, ठीक है अब बताइए। देखिए निम्न कौन सा एक गर्म सागरी धारा है, यार ऐसा नहीं किताब से पढ़ा रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट ही बता देंगे, ठीक है हो सकता है ऊपर नीचे अप डाउन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कोई एक गर्म सागरी धारा है, तो बताइए जल्दी से निम्नलिखित में कौन सी गर्म सागरी धारा है, मुझे एग्जैक्ट लंबाई नहीं आती, मैंने लिख के बता देता तो गलती नहीं होती, पता ही चले कमेंट करके कौन सी गर्म सागरी धारा है। वैसे धारा आपकी काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जो धारा है ये गर्म है, कौन सी पूर्वी जो एशियाई धारा है वो गर्म है, ये कहाँ निकलती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है ये अंटार्कटिका की जलधारा है, कहाँ की है, अंटार्कटिका की धारा है, चलती कहाँ पर है, ये ठंडी धारा है, और महासागर ये ठंडी धारा है, ये गर्म धारा है, ध्यान से दिखिएगा मैं आपको बता दूँ पहले चीज़ तो, अंटार्कटिका की जो धारा है वो क्या है, गर्म जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है वो व्योंगुएला की धारा है, वो मैं इसकी एक लिस्ट आप लोगों को पढ़ाने के बाद दे दूंगा जहां पे आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है यहां पे इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, ये गर्म जलधारा है, हम्बोल्ट ठंडी है, कैलिफोर्निया ठंडी है, कुराइल ठंडी है, अंटार्कटिका जलधारा ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है, वेनेजुएला ठंडी है, ग्रीनलैंड ठंडी है, अंटार्कटिका ठंडी है, इरमिजल धारा ठंडी है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंडी है, गर्म की बात करेंगे तो विषुवत रेखा गर्म है, क्यूरेशियो की धारा गर्म है, सुसीना जलधारा गर्म है, और ये जो आप देख रहे हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म है, अलास्का गर्म है, विषुवत रेखीय जलधारा गर्म है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म है, ब्राजील की धारा, फ्लोरिडा की धारा, ये सब गर्म है, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा गर्म है, मोजाम्बिक धारा गलत है, अलगुहास की धारा गर्म है, अगर हम ये ठंडी गर्म धाराओं के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। अगला ये किस में चलती है, ये प्रशांत महासागर, भैया ये प्रशांत महासागर की धारा है, कहां की है, प्रशांत महासागर की धारा है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, देखिए सबसे पहली चीज तो आप लोग जान लीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहाँ भी आप देख रहे हैं, तो एक बात तो आप लोग स्पष्ट रूप से जरा बताइए, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उन सभी के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बताइए जल्दी सभी लोग, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न पे जवाब दें, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे इसे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जल्दी से जाए फटाफट कमेंट करें और दिए गए प्रश्न का सही जवाब दें। देखिए यहां पर भी आप लोग गलती करेंगे, देखिए जैसे जब ज्वालामुखी पटल पर छिद्र या दरार होता है उससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा हुआ राख धूल कण गैसें जलवाष्प से बाहर निकलती है, उड़ा हुआ लावा मिट्टी में ठंडा होकर धीरे धीरे ठोस में बदल जाता है जिसे हम सिंडर कहते हैं, उद्गार से निकलने वाली गैस वाष्प का प्रतिशत ज़्यादा होता है, विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, किलायु है, अगर पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो क्या है तो वो किलायु है, ठीक है वो क्या है
आपकी किलाई है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा और आप लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते होंगे। कोटापैक्सी के बारे में आगे बताऊंगा कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत क्या है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। विश्वबियस और फ्यूजियामा, इन सभी के बारे में क्लास में मैंने एक भूकंप टॉपिक पढ़ाया था, ज्वालामुखी टॉपिक पढ़ाया था, वहां पर इनके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा किया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? चलिए, ठंडी धाराओं की लिस्ट मैंने आपको बता दी थी, आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा। ठंडी धारा में हम्बोल्ट की धारा आती है, हम्बोल्ट की धारा ठंडी है, प्रशांत महासागर में चलती है। कैलिफोर्निया की धारा है, क्यूरेल की धारा ठंडी है, अंटार्कटिका की धारा ठंडी है, लैब्राडोर की धारा ठंडी है, वेनेजुएला की धारा ठंडी है, ग्रीनलैंड की धारा ठंडी है, अंटार्कटिका की धारा ठंडी है, इरमीजर की धारा ठंडी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी है, ये ठंडी है। तो आप इसमें से बताइए कि विकल्पों में से कौन कौन सी धारा ठंडी है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी आप देख रहे हैं, जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके जवाब दीजिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए इसके बाद ब्राजील की धारा कैसी है भैया? ब्राजील की धारा हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। ब्राजील की जो धारा है ये गर्म धारा है। ये गर्म धारा कहां पे चलती है? ये अटलांटिक महासागर में चलती थी। ओआईसीयू की धारा ये उत्तरी प्रशांत महासागर में बहने वाली ये ठंडी धारा है। कैनारी की धारा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी धारा है। 1, 3, 4 अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। देख लीजिए, कोई अप डाउन हो तो बता दीजिएगा, जरा सा हो सकता है अप डाउन होगा तो आप लोग कहेंगे सर ये तो ऊपर नीचे बता दिए। ठीक है, चलिए चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना? ब्लू मून परिघटना क्या होती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं ये जो ब्लू मून की परिघटना होती है ये क्या होती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं आप जवाब जरूर दीजिएगा। ये ब्लू मून की जो परिघटना है वो क्या है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो। सभी साथी फटाफट कमेंट करें और दिए गए प्रश्न का जवाब दें। देखिए 21 मार्च से ये ब्लू मून के बारे में जान लीजिएगा। अल्पनक के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा की अतिरिक्त की घटना है। खगोलीय मौसम एक वर्ष में 4 बार होती है। एक वर्ष में खगोलीय मौसम अगर देखा जाए तो जब 21 मार्च से 20 जून, 21 जून से 22 सितंबर, 23 सितंबर से 21 दिसंबर और 22 दिसंबर से 22 मार्च तक प्रत्येक माह के खंड लगभग 3 माह का होता है। प्रत्येक खंड में 3 पूर्णिमाएं होती हैं, किंतु प्रत्येक 57/54 वर्ष में किसी एक खंड में 3 के बजाय 4 पूर्णिमा होती है। 4 पूर्णिमा वाला खंड ब्लू मून परिघटना वाला खंड होगा। इस खंड की 4 पूर्णिमाओं में से तिथि को ब्लू मून कहा जाएगा, इसलिए इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर डी सही होगा। इसलिए इसका डी सही होगा, ठीक है, इसका उत्तर डी होगा, इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ डीज, नॉन ऑफ डीज होगा। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन शॉट चाहे तो कर लें आप लोग। उत्तरी ध्रुवी प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। उत्तरी ध्रुवी प्रकाश के लिए देखिएगा, याद रखिएगा मैंने एक बात बताया था, एक दिन हमने क्लास पढ़ाया तो मैंने बताया जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी की एक मंडल ऐसा है जहां पर हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, क्योंकि ये पता है इसके बाहर एक हमारा क्या होता है, एक ऐसा सेफ जोन होता है कि आने वाले जो सूर्य की लपटे होती इस पर असर नहीं कर पाता, तो लोग ने इसका मतलब नहीं समझा था। तो किस मंडल के बाद ये परतें होती हैं, तो इसका याद रखिएगा आयन मंडल। आयन मंडल जो होती है उत्तरी ध्रुवी प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत है आयन मंडल। कैसे? क्योंकि इस मंडल में सबसे नीचे डी लेयर लॉन्ग रेडिएशन वेव होता है, फिर E1 E2 होता है, F1 F2 होता है,
शॉर्ट वेव में परावर्तित करती है। तो मैंने लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव जो मैंने पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पर इस तथ्य को अच्छी तरीके से समझा के आपको बता दिया था, क्योंकि ये एक सेफ जोन होता है। इसलिए जैसे आप देखते होंगे जो सौर लपटे आते हैं उत्तरी ध्रुव पर जाती हैं, प्रकाश करती हैं दक्षिणी ध्रुव पर, इसका नाम क्या है कोई बता सकता है? जैसे ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, जब वहाँ पर 6 महीने की रात होती है तो वहाँ पर क्या काम करता है? जरा कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। बताइए जल्दी से कमेंट करके। मैंने बताया था यही कारण है, तो बताइए। मैंने पढ़ाते समय बताया था कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर उजाला होने का, जो चांदनी रात होने का कारण क्या है? चलिए अगला, यहां पे देखिए मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लीजिएगा सभी लोग, ध्यान से देख के बताइएगा। देखिए एटना कहां पे है? सिसिली में है। ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है, ये स्थान है, ठीक है। विशुवियस कहां पे है? तो विशुवियस इटली में है, ये हमने पढ़ाया है। एरिबस कहां पे है? तो एरिबस नहीं पढ़ाया था, लेकिन जान लीजिएगा ये राजद्वीप में है। कोटापेक्सी कहां पे? इक्वेडोर, ये मैंने पढ़ाया था। कोटापेक्सी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मैंने कई बार पूछा, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दिया, बताइए कोटापेक्सी कहां पे है, किसकी क्या विशेषता है? आपने जवाब ही नहीं दिया एक बार भी। हमने बताया, मैंने आपसे पूछा, आप जवाब दीजिए। अगला, यहां पे देखिए एक तरफ झील है एक तरफ नगर है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं झील, अच्छा नगर लिखा तो है। इरी झील कहां पे है? डेट्रायट शहर, मिशिगन। मैंने कई बार कहा मिशिगन का चर्चा होगा, ये गैरी उत्तरी अमेरिका के है। ओंटारियो, ये सब उत्तरी महाद्वीप में है ज्यादातर। और इंडानू हैमिल्टन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कक्षा 8 की एनसीईआरटी में है। सुपीरियर डुलुथ, ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी में आपको ज्यादातर मिल जाएंगे। बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? अगला है, जल्दी से फटाफट कमेंट कर बताइए। यहां पर एक प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? फटाफट कमेंट कर बताइएगा आप लोग। ऑनलाइन क्लास या नोट्स संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह सभी क्लासेज जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क संचालित की जाती हैं। ऑनलाइन क्लास या नोट्स संबंध में कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर यही लोगो आपको मिलेगा। और एक बात और याद रखिएगा, कल की क्लास में कुछ स्पेशल क्लास होगी, जितने लोग लाइव हैं वो लोग ध्यान रहें, इसी समय कल आपकी स्पेशल क्लास होगी कुछ, उस पर जुड़िएगा, जिसका उद्देश्य है कि वो मोटो आपका सिलेक्शन है, तो उसमें जरूर रहिएगा सभी साथी, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा, फिर उसके बाद ये आज का आखिरी प्रश्न था। लवणता के आधार पर देखा जाए, इस प्रश्न में विकल्प के आधार पर, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? मृत सागर होगा। यहां पर विकल्प के आधार पर मृत सागर होगा, डेथ वैली होगी, क्योंकि यहां पे, लेकिन इससे भी ज्यादा जो है वो तुर्की की वान, देखिए वान झील मैंने बताया था, वान झील कहां पे है? तुर्की में। ये सबसे ज्यादा लगभग 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में है लवणता, लेकिन उसके बाद जो है वो दिए गए प्रश्न में अगर देखा जाए, समुद्री जल की औसत लवणता जो है 35% है, ठीक है, प्रति प्रति 1000 होती है, तुर्की की वान झील लवणता सबसे ज्यादा है। यहां पे विकल्प के आधार पर इस पर क्या होगा? मृत सागर होगा। विकल्प में अगर वान झील होता तो हम वान झील को सही का निशान लगाते, यह हमने पढ़ाते समय स्पष्ट रूप से आपको बताया था, ठीक है, यह हमने पढ़ाते समय स्पष्ट रूप से बताया था। ऐसे प्रश्न में गलती मत करिएगा। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत दुनिया का कौन सा है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है दुनिया का? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करके बताइए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, आप लोग वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को बताइएगा, आज की क्लास कैसी लगी वो भी जवाब दीजिएगा। तब तक एक याद रखिएगा कि जैसे जो धाराएं हैं वो आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है करिए। मेरा उद्देश्य था कि आपको पढ़ाना और ऊंचाई तक ले जाना,
और आप बेहतर करें। स्पेशल क्लास में जुड़े रहिएगा, डेली क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। मैं अपना सारा काम छोड़कर मैं आपकी क्लास पढ़ाता हूँ इसलिए ताकि आप सफल हो। बस आप लोगों को जोड़िए, ठीक है। इसके सभी को मैंने बताया, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कैस्पियन सागर बताइए, मुगल सागर, ये सारा मैंने बताया है। अगर आप मेरी क्लास में पहली बार आए होंगे तो शायद आपको नहीं पता होगा, ये मैंने सबकी व्याख्या कर दी है। भूमध्य सागर के बारे में बताया है, कहाँ है, किसको अलग करती है, यूरोप और एशिया को अलग करती है। यहाँ पे जो जलवायु होती है उसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। यहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा रसदार फल पाए जाते हैं, रस वाले फल पाए जाते हैं, और यह 33 महासागर का बचा हुआ हिस्सा माना जाता है। यहाँ के बीच में आप देखेंगे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ पाया जाता है, एक जागृत ज्वालामुखी मिलती है, ये हमने पढ़ाया है। अगर आप पहली बार आ रहे होंगे, विजिट कर रहे होंगे, तो सारे क्लास को पढ़िए, डेली क्लास को, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप क्या इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने साथी मित्रों को? अगर हाँ तो थैंक यू आपका। और अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो डबल थैंक यू। पैसे नहीं मिलते आपके लाइक शेयर से, बस मेरी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, बस मुझे यही चाहते हैं, ताकि मैं और मेहनत करूँ आप सबके लिए और आप और आगे जाएँ और आप अपने माँ बाप का भी सपना पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। चलते हैं तब, बाय बाय।